राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3-4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए, ये सर्दियों के लिए नाइट सूट बनाना बताएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इसे बिगनर्स बड़े आराम से बना सकते हैं। इसे हमने सिर्फ 10 रुपए के रूमाल से बनाया है। लड्डू गोपाल का नाइट सूट बनाने के लिए हमने ये रूमाल लिया है 10 रुपए का। अब हम सबसे पहले इसका पैंट बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये इसका उल्टा साइड है और ये इसका सीधा, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। चार इंच तक हमें इसे फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने ली है 3.5 इंच। पर हम यहाँ माफ करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। पर हम निशान लगाएंगे, जैसे इस साइड भी लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान। इसको ऐसे करके हम इधर सिलाई लगा देंगे। इसमें हमने इधर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसको ऐसे उल्टा रखेंगे और इधर सिलाई लगाएंगे, इधर थोड़ा छोड़ देंगे और हम इधर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने सिलाई लगा दी है, अब हम इसको सीधा करेंगे। इसमें हम अभी इलास्टिक डालेंगे। इसमें हमने इलास्टिक डाल दी है, अब हम इसको ऐसे करके इधर हम सिलाई लगा देंगे। ये पैंट बन गया है। अब हम टी शर्ट बनाएंगे, उसके लिए इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। साइड की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच, इधर भी रखेंगे 2 इंच। इधर 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई रखेंगे हम 3 इंच, 3.25 इंच। अब इसको हम कट कर लेंगे। से काटेंगे इसे, हमने कट कर लिया है। इस साइड से भी हम इसको काट देंगे। ये जो कॉर्नर है इनको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह, और इधर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने इधर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसको ऐसे रखेंगे।
और अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो इसी में से हम बाजू काटेंगे। पीस हमने काटे हैं, इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच और लंबाई रखेंगे हम इसकी 2 इंच। इसके सेंटर पे मार्क करेंगे। इधर रख के इधर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम इसे इधर रख के इधर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है, इस तरह से हो गया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, और इधर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम इस साइड इसको ऐसे रखेंगे और इधर सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। के लिए नाइट सूट बन गया है। इसमें हम ये चटकनी बटन लगा देंगे, ऐसे, इसको इधर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।